कर्नाटक पुलिस ने 4000 कांस्टेबल के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी, 12वीं पास करें अप्लाई। दो युवकों समेत नदी में डूबी कार, 7 बचाए गए, 1 की मौत। हादसे के वक्त कार में चालक समेत 8 लोग सवार थे। कार सवार 7 लोगों को घंटों कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। आगरा में मंदिर तोड़े जाने पर भड़के हिंदूवादी संगठन, एसएसपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने की आत्मदाह की कोशिश। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले दर्ज, महाराष्ट्र केरल में मिले सबसे ज्यादा केस। भारत तालिबान की मुलाकात के दावे को लेकर दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना, कहा क्या राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आएगा। एक रिसर्च में पता चला है कि आगरा कोई व्यक्ति वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेता है तो 82%, जबकि सेकेंड डोज लेने पर 95% तक मौत का खतरा दूर हो जाता है। कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने निर्दलीय विधायक रामकेश मेड़ा के सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के मेड़ा विधायकों और नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने रामकेश मेड़ा के बयान की निंदा की है। देश में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट से वैक्सीन लड़ सकती है या नहीं, सीएम योगी ने कोरोना वायरस पर 3 नौ के साथ बैठक की। जिला परिषद सदस्य के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी की भी मौत हो गई। राजस्थान पंजाब के बाद झारखंड में पार्टी नेता नाराज, 4 विधायक दिल्ली में वेणुगोपाल से मिलेंगे। वैक्सीन नोवर का आदेश, परिवहन विभाग में जारी करते ही टीका लगवाने वालों की लंबी लाइन लग गई। परिवहन विभाग में बिना वैक्सीन के कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। जम्मू में महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महबूबा की पार्टी के युवा नेता वाहिद पर्रा को एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक, आज दिल्ली नहीं आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह देश भाजपा के घोषणा पत्र से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। मैं स्पष्ट बता रही हूं कि यदि अनुच्छेद 370 और 35वें बहाल नहीं किए जाते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, यही तय है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि आवास पर क्यों पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं और पार्टी कार्यकर्ता के नाते सीएम का स्वागत करता हूं। कल उन्होंने बेटी और बहू को आशीर्वाद दिया। ऑनलाइन पढ़ाई ने छात्रों के कामकाज का तरीका बदला, अब नकल की परिभाषा भी बदलनी होगी। चौबीस जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून। चौबीस जून को आसमान में चंद्रमा स्ट्रॉबेरी रंग में दिखाई देगा। इस अनोखी खगोलीय घटना को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इस दिन चांद आकार में बड़ा और थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी की तरह गुलाबी रंग का दिखाई देगा। बाराबंकी में भारी बारिश के बाद गांवों में घुसा सरयू का पानी, बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। नदी के किनारे बसे कई गांव इससे प्रभावित है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, बीएसएफ सीमा पार से भेजी गई 135 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। एक्शन का दिखने लगा असर, विजय माल्या नीरव मोदी मेहुल चौकसी की 9371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर।